नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी के मंगलवारा इलाके के आजाद मार्केट में रोता हुआ मिला 3 साल का मासूम बच्चे के माता पिता का कोई पता अब तक पुलिस को नहीं मिला है। घटना शुक्रवार की है। पुलिस तब से उसके माता पिता को तलाश रही है। पुलिस के सोशल मीडिया पर बने ग्रुप में ये बच्चे की जानकारी डाली गई थी ताकि किसी भी थाने में हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर माता पिता को ढूंढा जा सके। 4 दिन बीत जाने के बाद भी मंगलवार थाना पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। मासूम मामा करके रोता रहता है। मासूम को सही देखरेख के लिए चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया था। काउंसलर द्वारा बार बार पूछने पर उसने अपना नाम राहुल बताया है। चाइल्ड लाइन ने बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जहां से उसे शिशु गृह भेज दिया गया। मंगलवार थाना पुलिस का कहना है कि ग्रुप में फोटो डालने के बाद भी बच्चे के पेरेंट्स का पता नहीं चल पाया है और ना ही किसी थाने में बच्चे के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। ऐसे में बच्चे के अपहरण करके लाने और भोपाल में छोड़ने के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने ग्रुप में चाइल्ड लाइन का नंबर भी जारी किया है 1098 और 0755-277-1080 पर कॉल कर सकते हैं। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। सर, 31 दिसंबर को मंगलवार थाना क्षेत्र में 3 साल का बच्चा मिला था, अभी तक उसके बाबा नहीं मिला, चाहिए किया था। हाँ, वो 31 को वो आज़ाद मार्केट में सोते हुए एक बच्चा मिला हुआ था। लगभग 4-4.5 साल उसकी उम्र है। उससे काफ़ी पूछताछ की गई तो वो उस समय तक तो अपना नाम और कहाँ का रहने वाला है माँ बाप का नाम भी नहीं बता पाया। सभी थानों को बाकायदे वालिस किया गया है, सोशल मीडिया में उसकी फ़ोटो डाले गए हैं कि जो कोई भी इसको पहचाने या इसके परिजनों को सूचित कर सकता है। फिर चाइल्ड लाइन को भेजा गया है, चाइल्ड लाइन के एक्सपर्टों के द्वारा उसे पूछताछ की गई है तो नाम पता लगा है कि उसका नाम राहुल है। बाकी अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाई कहाँ का बच्चा है, किन का बच्चा है। सभी थानों को मैसेज कर दिया गया है। हमारा प्रयास यही है कि बच्चा अपने परिजनों के पास पहुँच जाए। सर, कहीं अपहरण का मामला तो नहीं है, कोई उस बच्चों का अपहरण करके लाया हो और छोड़ के चला गया हो भोपाल में? नहीं, ऐसे संदेह तो जाहिर नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसके परिजन मिलेंगे तभी वस्तुस्थिति की जानकारी लग पाएगी कि किन परिस्थितियों में बच्चा उनके बीच से अलग हुआ है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।